19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। कई प्रकार के शॉपिंग मॉल महीनों तक बंद रहे, कई दुकानें बंद रहीं, कई प्रकार के शोरूम में किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं हुआ। बावजूद इसके सोने के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, सोने के भाव 48,000 रुपये के लगभग पहुंच गया, यानी कि 10 ग्राम सोने का भाव 48,000 रुपया। अच्छी बात यह है कि शोरूम खुलने के बाद से ग्राहकों की अच्छी भीड़ भी देखी जा रही है। लोग सोने में निवेश का ये सबसे बेहतर समय मान रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ तनिक शोरूम में। मैं बात करने की कोशिश करूँगा यहाँ के शोरूम के मैनेजर से, साथ ही ग्राहकों से, कि आखिर ये पूरी खरीदार की वजह से या फिर कह सकते हैं कि सोने के दाम में जो वृद्धि हुई है उसके पीछे की क्या वजह है। बावजूद इसके क्या ये वक्त ऐसा है कि हम सोने में निवेश करके आने वाले दिनों के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अभी चतुर्मास चल रहा है। बेशक शादी ब्याह का मौसम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि चतुर्मास में की गई खरीदारी आने वाले दिनों में काम आता है। लिहाजा इस वक्त भी तनिक शोरूम में मैं मौजूद हूँ और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, लोगों से बातचीत भी करूँगा कि आखिर सोने की इस वक्त जो भाव है उसे लेकर क्या लोग सोचते हैं, कितनी क्या परेशानी है, या फिर ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ेंगे। जो भाव सुनकर खुशी हुई या लगा कि क्या हो रहा है? भाव सुनकर खुशी नहीं हुई, बहुत रेट बढ़ गया है और क्या बोलिए। बावजूद इसके लग रहा है कि ये वक्त है कि पैसा लगा सकते हैं और बढ़ेगा, ये शंका है मन में? हाँ, और बढ़ेगा, पैसा अभी लगाना ठीक है और क्या। भाव तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जरूरत के अनुसार आदमी ले ही रहा है ना। कि सोने के दाम में वृद्धि उसी वक्त आपको महसूस होगा जब आप घरों में रहते हैं, जब आप शोरूम में चले आते हैं जेवर खरीदने, सोना खरीदने, तब महंगाई का अंदाज़ा शायद लोग नहीं लगाते। ऐसा ये मनोवैज्ञानिक वजह मान सकते हैं। शोरूम के मैनेजर स्वरूप जी हमारे साथ हैं, मैं उनको सीधे जोड़ने की कोशिश करूंगा। स्वरूप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि कुछ चीज़ें पटरी पर आ रही हैं। सर, ये सोने के दाम में जो वृद्धि देखा जा रहा है लॉकडाउन के पीरियड में, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? तो गोल्ड हाइक का प्राइस रीज़न का ये हो सकता है कि आपका गोल्ड हाइक जो हो रहा है अभी पॉलिटिकल बहुत अनसर्टेनिटी है, उसके पीछे रीज़न हो गया है COVID-19 में जो बाज़ार बंद रहा उसमें आपका थोड़ा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी आ गया है। तो जहां इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होता है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स सेफ जो हेवन होता है, सेफ एक ऐसा इन्वेस्ट खोजते हैं, सेफ जोन, जहां पे वो अपने आप को पूरी तरह से अपना पूरा जो इनपुट है वो पूरी तरह से पा जाए। तो उसके चक्कर में रूप जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकतर यानी कि आपके पास पैसे हैं तो अभी कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि शेयर बाज़ार में कम से कम पैसों का निवेश करें, क्योंकि शेयर बाज़ार के हालात ठीक नहीं है। तो विकल्प के रूप में सोना एक ऐसा धातु है जो आपका मुनाफा कम से कम, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बर्बाद नहीं होने देगा सोना। कई बार ऐसा होता है कि शेयर बाज़ार में अपना करोड़ रुपया लगाया, अगले दिन शेयर बाज़ार गिर गया, आपके पैसे पूरी तरह से धुआं हो गए, लेकिन सोने के निवेश के बारे में कहा जाता है कि ये आपको बर्बादी के कगार पर नहीं लगाएगा, जितना पैसा लगाएंगे वो कम से कम सुरक्षित रहेगा। क्या सर मैं सही बोल पा रहा हूँ? जी, आप सही बोल रहे हैं। और एज ए इन्वेस्टर्स अगर हम भी सोचेंगे कि अगर मैं दूसरी जगह पर सेफ नहीं हूँ तो ऑब्वियस है मैं गोल्ड पे लगाऊंगा, बिकॉज गोल्ड है आज तक हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से अभी तक सेफ रखा है सभी को। तो इसी के लिए है कि आपका सारे चीज़ जो है वो प्राइस जब आप डिमांड ज़्यादा करेंगे तो लोग हाइक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि लोगों का अभी बेस्ट टाइम है, आपको हम यही बोल सकते हैं कि ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, इससे पहले कि कुछ और शूट अप हो जाए, क्योंकि अभी ये अनसर्टेनिटी चलेगा। और बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने का मन मिजाज जो ग्राहक आ रहे हैं दुकानों तक खींचते हुए, क्या उसके पीछे की वजह है, क्या सोने के दुकानों में आने के बाद उन्हें संतुष्टि मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ग्राहकों को मैं अपने कैमरे में कैद कर सकूं। देखेंगे इस वक्त थोड़ी सी मुस्कुराहट। मैडम, ये कहा जाता है कि सोने का भाव तभी तक महंगा लगता है जब तक आप घर में हों, शोरूम में आ गए तो सोने का भाव नहीं,
सिर्फ लगता है कि खरीद लें चाहे जैसे भी हो, महिलाओं के लिए। सही बात है। क्या सही बात? लॉकडाउन में अब मतलब 3-4 महीने घर में बैठ के सेविंग्स तो हो गया, तो उसको अच्छी बात ये है कि COVID-19 के चाहे जितने सारे साइड इफेक्ट हो, एक अच्छा इफेक्ट ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ सेविंग हो गई, यानी कि बेमतलब का टूर नहीं हुआ, बेमतलब की खरीदारी नहीं हुई, गेस्टिंग नहीं हुआ, पिकनिक नहीं हुआ, बच्चों की फरमाइश बनती, तो ये सारा जो आपने बचा, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुआ, बाहर का खाना बनता, तो अब उसका इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है गोल्ड को देखा जाए। दूर की बात, इसको आप भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ कर देखेंगे, यानी कि एक तरफ 6, 7, 8, 10 आइटम में आपने बचत किया, पैसे बच गए, उसको लाकर इन्वेस्ट कर दिया सोने में, हीरे में। लेकिन मैडम ये जो रेट आपने देखा होगा आज, क्या लगा? नहीं, रेट जस्टिफाइड है, आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, मार्केट डाउन है, गोल्ड का वैल्यू अप्रिशिएट करेगा ही, तो गोल्ड अभी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। COVID-19 की वजह से काफी दिनों तक जेवर की दुकानें बंद रहे, शोरूम बंद रहे, बावजूद इसके राजधानी रांची में जेवर की दुकानों की जब आप लिस्टिंग करेंगे तो टॉप 5 में एक नाम सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स का भी आएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स की दुकान में, शोरूम में, जानने की कोशिश करेंगे क्या यह वक्त सोने में निवेश के लिए बेहतर वक्त है, या फिर इसके बाद सोने में गिरावट आएगी, या फिर सोने के दाम में वृद्धि होगी। इस वक्त सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स की दुकान में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से COVID-19 का जो टर्न कंडीशन है कि क्या आपको एहतियात बरतना है, क्या सावधानी बरतनी है। जितने भी यहाँ के सेल्स गर्ल हैं, सेल्स बॉय हैं, पूरी तरह से देखेंगे PPE किट में मौजूद हैं, कहीं से कोई संक्रमण का खतरा किसी में नहीं हो, ग्राहक यदि आते हैं तो वो सुरक्षित रहें। इस वक्त शोरूम के मैनेजर अनिल कुमार यादव जी हैं। सर, ये जो वक्त चल रहा है अभी COVID-19 में, हमने देखा कि कई दुकानें बंद रही बहुत दिनों तक, बावजूद इसके सोने के दामों में उछाल है, क्या माना जाए इसको? सर देखिए, इसका सबसे बड़ा वजह तो ये है कि एक तो अभी जो अमेरिका, चाइना और इंडिया का जो ये सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्राइसिंग बढ़ रहा है, और दूसरा थोड़ा सा डिमांड भी है अभी वेडिंग का, चूँकि सीजन था, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन था, तो अभी जब अनलॉक 1, अनलॉक 2 आया, तो उसके बाद जो कुछ ग्राहक हैं वो, चूँकि वेडिंग का उनको परचेजिंग करना था, तो कुछ लोग आ रहे हैं, और देखा जाए जहाँ तक मार्केट की सिचुएशन है, मतलब जो नॉर्मल होता था पहले, उससे अभी लगभग 50-60% का ही फुटफॉल हमारे पास हो रहा है, 50% का लॉस है। और सोने की खरीदार के बारे में यही भी कहा जाता है कि जब तक आप घर पर रहेंगे तभी तक आपको सोना महंगा लगेगा, जैसे ही शोरूम में आएंगे सोने की महंगाई खत्म हो जाती है। एक आंटी हमारे साथ हैं, कितनी खुशी हुई खरीदारी करके, लगा कि सोना महंगा है? नहीं, महंगा तो नहीं लगा, घर में सुन करके महंगा लग रहा था। देखिए, जैसा मैं कह रहा था, आंटी मेरी बातों से सहमत हैं कि घर पे आप रहेंगे सोने का भाव जानेंगे तो महंगा लगेगा, शोरूम में आएंगे आइटम देखेंगे तरह तरह के, एक लगा कि जल्दी से खरीद लेना है। सोच के भी नहीं आए थे कि खरीदेंगे, लेकिन आ करके खरीद लिए। आपने सोचा भी नहीं था? सोचे थे, देखने के वास्ते आए थे। पैसा करनी होगी कि सोने की महंगाई के बारे में बेशक चर्चा होती रहे, लेकिन ये आंटी सोना देखने आई थी। क्या खरीदा आपने? खरीदे 2 चैन, खरीदे 1 अंगूठी, खरीदे हाथ का कंगन, खरीदे। दिसंबर में शादी होनी है मैडम, कितनी जब आती हैं दुकानों में जेवर खरीदने के लिए, तो क्या लग रहा था? यही सोचे नहीं थे कि इतना कम, मतलब कम में हो जाएगा सारा, जो भी सोचे थे, सोच क्या थे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से कम है बहुत। क्योंकि एक चर्चा यह भी चली थी कि सोने के दाम में लगभग, मुझे लगता है कि एक चर्चा यह भी चली थी कुछ दिन पहले कि हो सकता है कि 60,000 के आसपास चला जाए, और यह भी इसमें शक नहीं है जिस प्रकार से शेयर बाजार लगातार धड़ाम होता जा रहा है। मैडम, क्या क्या जब आप ये आई थी तो घर में क्या चर्चाएं हुई थी कि महंगा है तो क्या करना है? वही कि जितना जल्दी हो सके ले लेते हैं, नहीं तो और दिन पे दिन और महंगा ही होते जाएगा, तो वही सोच के आए थे आज की, चलो ठीक है देखते हैं क्या है, क्या है देख के आते हैं। कुछ जो अब दुकान से जाएंगे तो खाली तो नहीं लौटेंगे,
कितने को कुछ भी ले करके आ जाएंगे, लेकिन अला के बाद दे हाँ दो चैन ले लिए एक अंगूठी ले। काका खरीद लूँ चाची। अंगूठी खरीद ले बानी, दुगो चैन खरीद ले बानी, कंगन खरीद ले बानी। अब बढ़िया से शादी हुई या फिर 50 आदमी। अब भगवान जाने की बढ़िया से हुई है कि 50 आदमी हुई। ईश्वर इस परिवार को ऐसे ही हंसाते रहे, परिवार में खुश रहे, और मेरी कामना है, न्यूजीलैंड की कामना है कि इनकी शादी दिसंबर में हो, तो इनकी जीवन सुखमय जीवन हो, वैवाहिक जीवन। माना जाए कि क्या ये आने वाले दिनों में सोने के दामों में और वृद्धि होगी या फिर नॉर्मल होगा, भाव नीचे जा सकते? सर अभी का जो मतलब आप बोल सकते हैं जो नेक्स्ट अगले 6 महीने का जो सिचुएशन दिख रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि गोल्ड अभी 50,000 के आसपास ऑलरेडी चला गया है 24 कैरेट में अगर देखें तो ये 55-56 के आसपास जाने की संभावनाएं हैं। ये जो सोने के दाम में जो वृद्धि होगी या फिर जो संभावना आप जता रहे हैं, ये ग्राहकों के लिए बेनिफिशियल माना जाए, व्यापारियों के लिए क्या माना जाए? देखिए इसमें अगर ग्राहकों के हिसाब से देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, उनके लिए जो गोल्ड कॉइन हम लोग देते हैं या गोल्ड बार देते हैं उसको अगर कोई परचेज करते हैं कस्टमर तो एज अ मतलब आप देख सकते हैं कि बेनिफिट के पॉइंट से होगा। दूसरी चीज़ अगर वेडिंग्स के हिसाब से देखें तो चूंकि शादी तो होना तय है और परचेज अगर आज करके रखते हैं तो वो ज्वेलरी जो है वो फ्यूचर में काम ही आता है लोगों का, तो उस पॉइंट के व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो वो थोड़ा फ्यूचर में बेनिफिशियरी ही रहे। मतलब यह भी मान के यदि आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि उसको निवेश करें, तो अभी के हालात कहीं कतई से भी ये इजाज़त नहीं देगी कि आप अपनी पूंजी अपना पैसा शेयर बाज़ार में निवेश करें। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से कहा यह जा रहा है कि परचेजिंग पावर घटा है, लेकिन अन्य चीज़ों के मामले में इसे देखा जा सकता है। अभी सोने में निवेश सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है कि सोने में निवेश ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 5 लाख की पूंजी लगाई हो और वो 3 लाख पहुंच गया हो, ऐसा शेयर मार्केट ही करता है। कम से कम सोने के निवेश में ऐसी संभावना नहीं रहती है। सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स का शोरूम जहां पर दुकानदार से ज़्यादा खुश मुझे ग्राहक नज़र आए, किसी एक और शोरूम में चलेंगे और वहां का मिजाज जानेंगे। देखा कि किस प्रकार बेशक सोना महंगा होता जा रहा है लेकिन खरीदारों की भी अच्छी भीड़ हमने कई शोरूम में देखे, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुलसैन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम में, जहाँ पर कि पूरी तरह से कोविड-19 के जो एहतियात हैं उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सेल्स गर्ल, तमाम सेल्समैन जो यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम सावधानियों के बीच व्यापार में जुटे हैं। और बेशक कहा जा रहा है कि सोना महंगा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि सोने के दाम 60,000 के पार कर जाए, तो ये वक्त है, ऐसा वक्त है कि जब हम और आप, यदि आपके पास पैसे हैं और यदि आप चाहते हैं कि कुछ पैसों का निवेश हम कर पाएँ किसी चीज़ में, तो ये बेहतर समय माना जाएगा कि आप शेयर बाज़ार में तो कम से कम कतई पैसा ना लगाएं, ऐसा इसलिए कि सोने में किया गया निवेश आपको कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा। और इस वक्त तुलसैन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निहार जी हैं, मैं उन्हें कैमरे में सीधे जोड़ता हूं कि क्या वो मानते हैं, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कि क्या ये बेहतर विकल्प माना जाए कि लोग बेशक
अभी नहीं, आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर में फिर से शादी का सीजन आएगा। निहार सर, क्या माना जाए जो सोने के भाव बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? जब इकोनॉमी खराब होती है पूरी दुनिया की, हाँ, हर जगह यही होता है कि लोग सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट खोजते हैं, उसी प्रकार से इस समय ये पूरी दुनिया एक चैलेंज से गुजर रही है। और इस चैलेंज के समय पे जब इंडस्ट्रीज बंद हैं, चारों तरफ इकॉनमी टर्मोइल पे है, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का साधन होता है बुलियन। चांदी और सोने में निवेश करना सबसे सेफेस्ट माना जाता है। और ऐसे समय में प्राय हम लोग यही देखते हैं कि सभी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत ही चैलेंजिंग समय है। कोविड के पहले भी हम लोगों ने देखा कि 2019 में जब सोना 3500 था, जनवरी 2019 में 3500 के करीब का भाव था, और वो निहार जी जो कह रहे हैं 3500 यानी कि एक ग्राम, यानी कि इसको 10 ग्राम से जोड़ेंगे, जैसा कि आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि 35,000 रुपये भर यानी कि 10 ग्राम, क्या सर? 35,000 रुपये 10 ग्राम पिछले जनवरी 2019 जनवरी में लगभग ये भाव रहा था। और फिर जो है प्राइसेस बढ़ करके लगभग 4,000 के करीब आ गए थे दिसंबर एंड में, जो कि कोविड के पहले का टाइम था। बट अब जाकर के सोना 5,000 के पार है। और हाँ, हम लोग भी ऐसा ही देख रहे हैं कि 60,000 अब इमेजिनेबल फिगर नहीं रह गया है। एक 60,000 का फिगर बहुत इजी लग रहा है, बहुत अप्रोचेबल लग रहा है। और करेंसी की स्थिति हम लोग देखें कि इंडियन रुपीज़ की करेंसी क्या है, 76 रुपये के आसपास है, तो वो भी एक रीज़न है। और प्राइसेस, ग्लोबल प्राइसेस, ये कोई इंडियन प्राइसेस नहीं रह गया है अब, हाँ, ये ग्लोबल प्राइसेस है। हाँ, आप न्यूयॉर्क में चल जाइए, लंदन चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो सोने का भाव जो वहाँ है वही भाव हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद, बिल्कुल ये कोई भारतीय प्राइस नहीं है कि हमारे देश में ये महंगा हो गया, बाकी जगह हमारे यहाँ शादी है तो प्राइस महंगा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक ग्लोबल चीज़ हो गई है जिसके जो प्राइस को डिसाइड करती है, वो फैक्टर्स यहाँ भी अप्लाई करता है। जो कह रहे हैं कि वो कमी आई थी या फिर डिफिकल्टीज को आपने फेस किया, अब क्या स्कोप देख पा रहे हैं? इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से डिफरेंट है। हम भारतीय लोग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, इन द सेंस कि ज्वेलरी खरीदना, गोल्ड खरीदना या निवेश करना या शॉपिंग करना, इंडियंस एक ऐसा नहीं है कि मंदे बाज़ार से निकले हैं तो बाज़ार में भीड़ नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो सीज़न रहेगा, हाँ, अच्छा रहेगा। तो इस वक्त मैं तुलसायन शोरूम में मौजूद था, और ये हमने दिखाने की कोशिश की कि बेशक कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही है कि मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सोने के खरीदार भी सोने की दुकानों में, शोरूम में नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक महिला ये बता रही थी कि वो सोने का जेवर देखने आई थी, लेकिन देखते देखते कुछ खरीदारी हो गई, अमाउंट में नहीं बताऊंगा, ये उनकी निजता का हनन होगा, लेकिन यह मानकर चलिए कि सोने के व्यापारी आशावादी हैं और आने वाले दिनों में एक बार फिर से ऐसे शोरूम में ग्राहकों की बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। बाजार में सोने की कीमत में उछाल आ गया है, और आने वाले समय में जब फेस्टिवल्स आएंगे, त्यौहार आएंगे, तब उम्मीद व्यक्त की जा रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये जो सोने का दाम है उसमें और इजाफा होगा। तो उस वक्त क्या हालात होंगे, और अभी उसको लेकर क्या कुछ तैयारी मार्केट में है, जो स्वर्ण व्यवसायी हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, और जो इस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी बातों पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीयूष अदेसरा जी, छगननाथ दयाल जी के ओनर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो अभी कीमतें फिर बढ़ी हैं और आने वाले समय में फिर उम्मीद है कि ये बढ़ेगी, तो मार्केट कितना तैयार है इसके लिए और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अभी तो आप जो देख रहे हैं कोरोना के हिसाब से ही ये जो बढ़ा हुआ है, और आगे भी बोल रहे हैं कि 60,000 का रेट सब सोच रहे हैं कि एक साल में होगा,
इसमें इम्पैक्ट वही पड़ेगा कि जो कस्टमर का बजट है वो बजट तो सेम ही रहेगा, उसमें हम लोग को ज्वेलरी का वेट लाइट करना पड़ता है और नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे ज्वेलरी में, कि डिज़ाइन रिलेटेड इनोवेशंस जो आते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता कि डिमांड कम होएगा, पर हाँ ग्रामेज जो बोलते हैं वेट ऑफ ज्वेलरी उसको कम करना पड़ेगा। और कस्टमर्स अपने तैयारी से ही आ रहे हैं कि हमको, और सब कस्टमर्स को इंटरनेट का ज़माना है तो सबको पता ही है कि क्या रेट्स है क्या वगैरह, तो उस हिसाब से जैसे मान लीजिए कि कीमतों में बढ़ोतरी है और ये एक ऐसी ज़रूरत है जो हमारी नेसेसिटी नहीं है, ये है हमारे शौक, मतलब लोग या फिर इसमें लोग निवेश भी करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखें तो जो जमशेदपुर का मार्केट आम दिनों में रहा है और अब जो हालात हैं तो उससे क्या है? अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कस्टमर्स लोग को इच्छा हो रही है कि वो गोल्ड की तरफ जाएं और अपने शेयर मार्केट से पैसा निकाल के उन लोग जनरली ट्राई कर रहे हैं, कि हम लोग लास्ट टाइम से देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में हो रही है। सरकार भी अपने हिसाब से उन लोग ने गोल्ड फंड निकाला है जिसमें उन लोग 2.5% इंटरेस्ट देते हैं, तो फ्यूचर तो अच्छा ही लग रहा है गोल्ड का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अच्छा हो रहा है। बढ़ने की बात आ रही है, जैसे अभी दाम बढ़ गए हैं फिर आने वाले समय में और बढ़ेंगे, इसके पीछे क्या कारण है? अनस्टेबिलिटी, इसके पीछे यही कारण है कि वर्ल्ड सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस के ये जो लॉकडाउन्स होते हैं, लॉकडाउन्स किसी को फ़ायदा नहीं देते हैं, आपको तो पता ही है, ना ही सरकार को ना ही पब्लिक को, तो कैश फ्लो जो है उस हिसाब से कम होता है, यही प्रॉब्लम है। अडेसा जी, जिन्होंने खुलकर बताया किस तरह से, एक तो उम्मीद भी जाहिर की है कि आने वाले समय में जब सोने की कीमतें और उछाल लेंगी तो कहीं ना कहीं लोग भी आकर्षित होंगे ज़रूर, क्योंकि निवेश करते हैं लोग, फिर भी उन्होंने जो आशंकाएं जाहिर की हैं कि ये दौर अगर लगातार चलता है तो कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है और इसका असर आभूषणों पर भी पड़ा है। इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में आभूषण की जो रेट है वो लगातार बढ़ रही है, और क्या दर है चलिए जरा सा हम आपको सीधे तौर पे जो है तस्वीरें दिखाने ले चलते हैं। बैंक मोड़ के एक आभूषण दुकान में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर हालाँकि ग्राहक जो है थोड़ी देर पहले एक दो इक्के दुक्के पहुँचे थे और अभी भी दुकानें खाली है। एक तो ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं और रेट भी एक तरह से कहें कि बहुत ज़्यादा महंगा होती जा रही है। पहले तो हम आभूषणों की कीमत भी आपको बताएंगे और इस वक्त में सोना और चांदी का भाव क्या है वो हम आपको बताने ले चलते हैं। सर पहले तो आप सोना और चांदी दोनों के भाव हमें बताएं। आज का 24 कैरेट का भाव 50,500 है और 22 कैरेट हॉलमार्क 47,300, और चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है, वो 50,500 है। सोना और चांदी दोनों के भाव 50,000 से ऊपर है? हाँ, दोनों के 50,000 से ऊपर है। अच्छा, तो ये भाव जो है लगातार चढ़ रहे हैं, कारण? लगातार चढ़ रहे हैं ये, क्योंकि बाहर से माल नहीं आ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं, आपको लगन खत्म होने के बाद भी ये भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ये बता रहे हैं दुकानदार, बता रहे हैं कि आभूषण की कीमत जो है इस वक्त में कम है, जबकि ये लगन का वक्त समाप्त हो चुका है, ये भादो का महीना है और भादो में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादियां नहीं होती, तब ये हाल है। जरा सोचिए कि नवंबर के बाद, जैसे ही कहते हैं कि छठ के बाद जो है अपने यहाँ शादी विवाह का लगन जो है शुरू हो जाता है, और तब ये भाव और ज़्यादा चढ़ेंगे, यानी कीमतें जो है और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में परेशानी यही है कि चूंकि आभूषण अस्थाई जो है कहते हैं कि प्रॉपर्टी मानी जाती है और शादी विवाह में तो इसकी बड़ी अहमियत होती है, दुल्हन से लेकर घर के परिवार के बहुत सारे लोगों की ये सबसे ज़्यादा डिमांड में शामिल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस वक्त में आभूषण खरीदना जो है वो महंगाई के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही है लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई आभूषण खरीदना चाहता है तो उसके लिए ये अच्छा वक्त है, क्योंकि सोचिए जरा कि जब लगन नहीं है तब ये 50,000 के ऊपर का भाव है
और जब लगन शुरू हो जाएगी तब ये रेट कहाँ तक जाएगी कोई नहीं जानता। जो जानकारी मिली है जो ज्वेलरी दुकानदारों से उसके मुताबिक ये पिछले 4-5 सालों में सर्वाधिक रेट पहुंच गई है, यानी इस वक्त में कोरोना का असर जो है वो आभूषणों पर भी दिख रहा है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।